मंगलवार को बरवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्गीडीह सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन के चार्ली कंपनी में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कैंप अंतर्गत आने वाले गांव के लगभग एक दर्जन से अधिक युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन कमांडेंट विनय त्रिपाठी ने फीता काट कर किया। वहीं कमांडेंट के साथ साथ डिप्टी कमांडेंट MS यादव और सहायक कमांडेंट अजय शंकर त्रिपाठी भी मौजूद थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जहां युवतियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं युवकों को ड्राइविंग सिखाने का काम किया जाएगा। लगभग एक महीने चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर प्रशिक्षण पाने वाले युवक युवतियों में काफी उत्साह देखा गया। ट्रैक्टर की एक अनूठी पहल है, ये हर वर्ष किया जाने वाले कार्यक्रम है, जिसको हम CAP बोलते हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम। इसके तहत हम यहाँ पे के बेरोजगार नौजवानों को, जो युवक युवतियां हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट का काम करने का प्रयास है हमारा, एक छोटा सा ड्राइविंग का और स्टिचिंग का, बच्चियों के लिए स्टिचिंग और युवा नौजवानों के लिए, युवकों के लिए ड्राइविंग का हम कोर्स चला रहे हैं, और जिससे कि ये आगे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और भविष्य में और किसी किस्म की कोई इनको मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। सर, ये प्रशिक्षण कितने? गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।